इंट्री मार्ग पर एक में इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा उक्त स्कूल का कार्यभार संभालने के बाद स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई एक सराहनीय पहल को देखते हुए, जहां अभिभावक दूसरे स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर इस स्कूल में दाखिला कराने का प्रयास कर रही हैं, वहीं स्कूल शिक्षक भी प्रिंसिपल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को बखूबी निभाने में लगे हुए, जो विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान भी उपलब्ध करा रही है। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली अपने स्कूल के लिए ही किया है। इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में नई इंट्रोड्यूस की हैं, और इसमें जो मेन मोटिव है हमारा वो ये है कि बच्चे प्लस टू के बाद खाली ना रहें किसी भी तरीके से। तो हम स्किल्ड लोगों को तैयार करें, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है वो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और इंडिया में स्किल्ड लोगों की जो बहुत ज़्यादा कमी है, और उसको अगर स्कूल तैयार कर सके, स्कूल से वो एक बेस लेकर चलें कि आगे उनको क्या करना है, स्कूल से ही वो रेडी रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि उनको आगे क्या करना है। तो इसमें अभी जैसे कि आपको सबको पता है NEP 2023 से लागू होने जा रहा है स्कूल्स के अंदर, तो उसमें उनका जो मेन आधार है वो यही है कि वो वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आयोजित किए गए कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल कीर्ति मदान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि स्कूल में रोबोटिक व डिजिटल शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके चलते स्कूली शिक्षा के बाद बच्चों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है। प्रिंसिपल ने खुलासा करते हुए बताया कि स्कूल शिक्षकों व विद्यार्थियों के अथक प्रयासों के कारण विद्यालय ने कई नामचीन पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसके कारण स्कूल की ख्याति बढ़ने लगी है। जिसमें 11th-12th के अंदर जो अभी हम स्ट्रीम्स चला रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और बच्चे अपनी मर्जी से 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को हम अभी से अगर बच्चों को तैयार करेंगे, वो एक्ट में पहले से ही कर रहा है। इसमें हमने अपनी 11th क्लास में बैंकिंग, डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही स्किल्ड सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं अपने स्कूल में, ताकि बच्चे 12th के बाद अगर बच्चा मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना चाहता, या नॉन मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, कॉमर्स में, CA लाइन में नहीं जाना चाहता, तो उसके पास और रास्ते खुले हों, उसको दिखाई दे कि मुझे आगे क्या करना है, तो वो बच्चा स्कूल से एक मेंटल अपना लेकर चलेगा, अपना प्रिपेयर होकर चलेगा कि मुझे आगे चल के करना क्या है। सोहना से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर गाँव आटा मार्ग पर स्थित एक में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सांस्कृतिक व डिजिटल शिक्षा के चलते दूर दूर तक प्रसिद्ध है। स्कूल ने दर्जनों पुरस्कार अर्जित करके इलाके में अलग ही छाप बना डाली। उक्त विद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, जिसमें करीब 500 विद्यार्थी कक्षा प्रथम से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिनको आर्ट्स, कॉमर्स, विज्ञान की बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। स्कूल में साइंस लैब, मैदान, लाइब्रेरी, कैंटीन, म्यूजिक आदि की विशेष सुविधाएं, बच्चों को रोबोटिक व डिजिटल प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि दूसरे स्कूलों में नहीं है। विद्यालय ने बीते वर्ष अपनी मेहनत के बल पर काफी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिससे उक्त स्कूल की ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है।